For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल लाहौर में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और सीनियर रजिस्ट्रार हूँ। इसके साथ साथ मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में इवनिंग में DHA में लेज़र और कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस भी करता हूँ। कि जैसा कि आजकल लाहौर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है और इससे भी ऊपर जाने की तवक्को है, तो उसमें उनको इशू ये हो रहा है कि उनकी एक तो आईलिड्स का इशू हो रहा है कि उनके आईलिड्स पफ़ी हो रहे हैं, आईज़ रेड हो रही हैं और इस तरह के उनको सिम्टम्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के दौर में जो आजकल का जो मौसम चल रहा है 45 डिग्री का लाहौर में, उसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें इख्तियार करने चाहिए सो दैट हमें किसी किस्म के ऐसे सिम्टम्स ना हो। नंबर वन, हमारा वाटर इनटेक जो है एटलीस्ट 4 लीटर्स अ डे होना चाहिए। 4 लीटर्स अ डे इज़ मस्ट दीज डेज, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है, हमारा इनवॉलंटरली, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें स्वेटिंग हो रही होती है और इतना ज़्यादा हमारी बॉडी से वो निकल रहा होता है कि हमें इनवॉलंटरली पता नहीं लग रहा होता, लेकिन ये हमारी वाटर जो है ये डिस्पर्स हो रहा है। अब इसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो, उसके साथ साथ ORS या लीमू। अब अगर आप हर रोज़ डेली एक ग्लास सिर्फ लीमू के साथ पानी को पी लें तो उससे आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आप बचे रहेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी वाटर का वर्ड यूज होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बॉडी में बहुत ज़रूरी है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जब भी स्वेटिंग होती है हमें, तो वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा होता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस से इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हम हीट को कोप अप नहीं कर पाते और इस तरह से हमारी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, हमारे आईलिड्स पफी होना शुरू हो जाते हैं, हमें इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेमन का यूज़ अपने लाइफ में लाएँ, और हम जैसा कि लीमू की सिकंज बीन होती है जो कि बहुत कॉमनली बचपन से हम लोग पीते भी आ रहे हैं, तो इस सीज़न में हमें उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इट्स द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनर, जितनी अच्छी वो इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करती है और बॉडी को हीट लॉस, जो ये हीट इंड्यूस वाटर लॉस हो रहा होता है उसको बचाती है, उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं। बाकी तो कमर्शियली अवेलेबल बहुत चीज़ है, जैसा कि ORS होता है या इस तरह के कई और चीज़ें निमकोल के पानी मिल रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ घर में अवेलेबल है हमें सबसे पहले उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और लेमन का इंटेक हमें ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम सूरज में निकले, अब इतनी ज़्यादा हीट है आजकल सूरज की कि एक सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ हम ये करें कि मैट, एक अब दो तरह के सनब्लॉक्स होते हैं, एक होता है सिंपल सनब्लॉक, एक होता है मैट सनब्लॉक। जो मैट सनब्लॉक्स हैं, सीबम कंट्रोल जेल सनब्लॉक्स हैं, हमें वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो हम नॉर्मल सनब्लॉक यूज़ करेंगे वो पसीने के साथ बह जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर हम मैट सनब्लॉक्स यूज़ करेंगे, सीबम कंट्रोल सनब्लॉक्स यूज़ करेंगे, वो स्टे कर जाते हैं, वो स्टिक कर जाते हैं स्किन के साथ, और सूरज का जो डिज़ास्ट्रस इफेक्ट स्किन पे होना होता है, उस डिज़ास्ट्रस इफेक्ट में टैनिंग है, डिज़ास्ट्रस, कई लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, स्किन हीट अप होना शुरू हो जाती है, स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, तो इन सारे साइड इफेक्ट से बचने के लिए मैट वाले सनब्लॉक्स, सीबम कंट्रोल सनब्लॉक्स का यूज़ ज़रूरी कीजिए, ताकि आपकी स्किन में इस तरह का कोई डिज़ास्ट्रस इफेक्ट हीट इंड्यूस ना हो। अगर इसके रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।